फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। प्रदेश के कई जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूका पुतला। जल जीवन हरियाली के तहत घर की भूमि पर बने तालाब से बेघर हुए लोगों के साथ बैठक का आयोजन। जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव विनोद सिंह ने सभी लोगों की समस्याओं का निदान करने का दिया आश्वासन। और नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में लुटेरों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। घर वालों को बंधक बना 7 लाख रुपए की संपत्ति लूट हुए चंपत। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत फतुहा से करेंगे। फतुहा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक बैटरी प्लांट में काम कर रहे एक 25 वर्षीय मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हिलसा के पूना गांव निवासी सन्नी कुमार के रूप में हुई है। परिजनों की माने तो मृतक की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है। वही परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाज कराने के बजाय उसे पिकअप वैन पर रखकर प्लांट के बाहर कर दिया गया। यदि समय पर उसकी इलाज कराई जाती तो उसकी बचाई जा सकती थी। वही आक्रोशित परिजनों को प्लांट के मालिक ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए। आज ज्योति इलेक्ट्रोकेमिकल में मजदूर का काम करता था। रात में या कभी क्या हुआ, करंट लगा कि क्या हुआ, हम लोग को सुबह जब पता चला तो हम लोग प्लांट में आए तो इसको पिकअप गाड़ी पर लाद के रखे हुए था। लड़का का डेड बॉडी होल था, लेकिन लोगों ने कहा कि यही बच रहा है। हम लोग ले गए उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र फतुहा, तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। न यहाँ मालिक है, न मैनेजर है, न कोई लेबर है, कुछ बताने से इनकार कर रहा। कैसे मौत हुआ ये पता नहीं चला? मौत कैसे हुआ कोई पता नहीं चला, कोई बताने ही वाला नहीं मिला। करंट लगा है, क्या हुआ? हाँ, लोग कह रहा कि करंट लगा है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ फतुहा में राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया। वहीं दनियावा प्रखंड के बाजार चौक पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पूरा देश चल रहा है एनआरसी के सवाल पर। सीएए और कैब, पहले कैब लाया गया, कैब से जब कानून का रूप लिया सीएए बना और उसके अधीन एनआरसी लाया गया। एनआरसी लाने का मतलब है कि पूरे देश में जितने भी घुमंतु लोग हैं जो हमारे देश में आज़ादी देश को लाए थे, उनके जो वंशज अभी बच रहे हैं जो घुमंतु के रूप में और अर्ध घुमंतु के रूप में देश में करोड़ों करोड़ की संख्या में है, उसको एनआरसी के तहत देश से भगाने का कार्य किया जाएगा। अभी लाए प्रधानमंत्री जी एनआरसी लाए हैं, एनआरसी लाने का क्या मतलब है? अगर लाना है तो 2021 में जो जनगणना होगा, जो सेंसस देश का होगा, उसमें आप जातीय जनगणना करो। जातीय जनगणना में आपको साफ पता चलेगा आपका पहले 42 कॉलम था, और ज्यादा कॉलम बढ़ेगा। मनेर नगर के मेहदावा में मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की भूमि पर बने घर से बेघर हो रहे लोगों के बीच जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव विनोद सिंह पहुंचे। इस दौरान मनेर नगर पंचायत के वार्ड 17 के महादलित परिवारों के साथ एक बैठक की। बैठक में महादलित परिवारों के समस्याओं को विनोद सिंह ने सुना। वहीं विनोद सिंह ने वादा किया कि वर्षों पुरानी समस्या का निदान होकर रहेगा। मुख्यमंत्री का विकास का जो योजना है, हमें सभी वार्डों का पार्टी के तरफ से हुआ है कि क्या क्या समस्या है और लोगों के क्या कठिनाइयाँ, गरीबों को, महादलितों को लोग ने बुलाया, यहाँ कुछ समस्या थी। लोगों को आने पर पता चला कि कुछ सरकार का जो गड़बंजरुआ ज़मीन है वे लोग बसे हुए हैं, इनका रसीद अभी तक काटा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो घर बना हुआ है, अब जो बन गया सरकार ही जमीन दे रही है, तो उसका हम निदान करना है। और गरीबों का मांग था कि हम लोग का सर घर टूटेगा, तो ऐसा तो सरकार नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते कि किसी का घर बने गरीबों का वो टूटे, तो उसको निदान करना है। मनेर के महादेव स्थान के पास तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार आईटीबीपी जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मनेर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में भी ले लिया। हालांकि मौके से ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा।
बात करें नालंदा की तो दीपनगर थाना क्षेत्र के एनएच 20 के किनारे बाजार समिति के पास लुटेरों ने व्यवसायी के घर में घुसकर 7 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। 4 की संख्या में रहे लुटेरों ने घर वालों को बंधक बना लिया और विरोध करने पर मारपीट भी की। लुटेरों ने 3.5 लाख नकद और लाखों के जेवर लूट लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घर में घुसा और घुसने के बाद एक बैग मेरे घर में आया और सब पिस्टन लिए हुए था। पिस्टन डायरेक्ट आके कान में सटा दिया। सटाने के बाद में मैंने प्रयास किया रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने मारपीट भी किया मेरे साथ। और जितना भी था गोदरेज तोड़ तोड़ कर जितना भी था कैश 3.5 लाख रुपये वो ले लिया। पत्नी का जेवरदार था वो सब ले लिया। कुछ LED TV भी था, कैमरा था, मोबाइल था, ये सब टोटल ले गया। कुर्था किंजर मुख्य मार्ग के समीप सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही कुर्था थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अरवल भेज दिया। कुर्था प्रखंड के अहमदपुर हारडा पंचायत में आयोजित जिलाधिकारी सम्मान समारोह के दौरान अरवल जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने कहा कि अरवल जिले की विकास उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने जिले के विकास के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं ताकि प्रदेश स्तर पर जिले का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित करवा सके। राजद पटना जिला अध्यक्ष देवमुनि सिंह यादव के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन बिल और NRC के खिलाफ राजद के कार्यकर्ताओं ने मनेर में आक्रोश मार्च निकाला। इसके साथ ही मनेर हाई स्कूल स्थित भगत सिंह स्मारक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। आक्रोश मार्च मनेर पोस्ट ऑफिस से लेकर मनेर बाजार तक निकाला गया। नागरिक संशोधन बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ हम लोग सभी देश के लोग सड़क पर आ गए हैं। उनका पुतला दहन किया जा रहा है प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध में। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता हम लोग मनेर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग है कि NRC और CAA वापस। लोजपा प्रदेश महासचिव इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में रुकनपुर और बाली पंचायत के ग्राम खरफर बरैया कला में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें रुकनपुर पंचायत के मुखिया उमेश ठाकुर, सरपंच दिनेश राम, वार्ड सदस्य राजीव कुमार ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुजफ्फरपुर शहर के मुख्य चौराहा सरयागंज टावर चौक के समीप युवा राष्ट्रीय जनता दल एवं महानगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने NRC, CAA और NPR जैसे कानून को काला कानून बताते हुए सरकार विरोधी नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री, नेता या प्रधानमंत्री से ये न्यूज चैनल पर इंटरव्यू होता है या विपक्ष कुछ बोलता है तो पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान की बात सिर्फ करते हैं, आतंकवाद की ही सिर्फ बात करते हैं। इसके आड़ में जो आज देश दिवालियापन के कगार पर है, देश का जो आर्थिक मंदी है पूरे विश्व स्तर पर गिरा हुआ है, सारे वर्ल्ड पैमाने पे थुतु हो रहा है, उसको छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाने का काम किए हैं। मुजफ्फरपुर के LS महाविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने महाविद्यालय परिसर स्थित महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर और लंगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि शांति से देश आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बता दें कि कार्यक्रम में कुछ विधायक और जनप्रतिनिधियों को कुर्सी न मिलने से नाराज हो कर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। सभी और बीजी से काम करते हैं तो उसका अंतिम अगले कुछ महीनों में आपको दिखाई देगा।
संघ यहाँ मिल रहे शिक्षा की बात यहाँ पर मुझे कई बार कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर सच बोल मेरा यह अनुमत गरीब हूँ मैं उस समय भी पटना विश्वविद्यालय का जब अध्यक्ष हुआ करता था तो हमने उस समय भी छात्रों की गलत नीति को कभी नहीं माना शिक्षकों का सम्मान करना हमारा शिक्षक हमारे सामने अपनी मान्यता को अपने विद्यार्थियों के साथ अगर वो संपर्क लगा के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें तो क्या होगा क्या होगा विद्यार्थी और इसलिए शिक्षकों को भी अपने मान्यता के तहत रहने की आवश्यकता और विद्यार्थियों को भी आज जहां जहां देखता हूं परीक्षा में शिक्षकों को फीस के प्रस्ताव और अभिभावक अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज नमस्कार।